हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अनअकैडमी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो सही से आ रही है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कैट 2019। ये मैंने एक कोर्स शुरू किया था और ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कैट एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी एंड बैंकिंग के लिए एंड रेलवेज। जो भी एग्जाम्स हमारे कॉम्पिटिटिव चल रहे हैं उनमें जो टॉपिक्स जनरली सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस कोर्स के थ्रू। एंड मेरा नाम है हरप्रीत कौर। जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते वो मुझे अनअकैडमी पर प्रोफाइल ज़रूर फॉलो करें, unacademy.com/user/harpreet9504, क्योंकि मैंने अनअकैडमी पर ऑलरेडी काफ़ी सारे कोर्सेज पब्लिश किए हुए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर। एंड मुझे 1 साल से ऊपर हो गया वहाँ पर टीचिंग करते हुए, तो आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि हेल्पफुल रहेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा वहाँ पर। एंड ये वाला कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ था 12 फरवरी को और ये 25 फरवरी को कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ऑलरेडी हम टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। कल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे, बेसिक्स को अच्छे से समझा था। 6 to 7 PM पर मेरी ये क्लास हुई थी और जिन स्टूडेंट्स ने ये क्लास मेरी नहीं देखी है वो एक बार इसकी क्लास ज़रूर देखें। रिकॉर्डिंग आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो उस क्लास में हमने जो बेसिक्स लर्न किए थे उन्हीं को यूज़ करके आज हम वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस करेंगे जो कि सिर्फ परमुटेशन के फॉर्मूला के साथ ही हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस भी हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। एक जिनको हम परमुटेशन के फॉर्मूला के साथ सॉल्व करते हैं या फिर बेसिक्स अप्लाई करके, और दूसरे होते हैं जिनको हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम 9th लेसन में डिस्कस करेंगे। और इस स्लाइड के आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि आपको क्लासेस की टाइमिंग एंड डेट्स पहले से पता हो, तो आप लेट मत होएं और क्लास को टाइम से अटेंड करें। तो आज वाली क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्लास होगी मेरी 23 फरवरी को 6 PM to 7 PM। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में बताना चाहूँगी। हेलो राकेश जी। और अनअकैडमी प्लस पर हमारी बेसिकली लाइव क्लासेस होती हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप है एक और दूसरी है प्लस। प्लस पे हमारे लाइव कोर्सेज होते हैं और ये स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो इनमें आपका जो टाइम लिमिट है वो एक फ़िक्स रहता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपका सिलेबस कवर करवाना है, जबकि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप किसी भी एजुकेटर के कोई भी कोर्सेज देख सकते हैं जो भी टॉपिक आप सीखना चाहते हैं। और ये जो लाइव क्लासेस होती हैं ये दिन में 30 से भी ज़्यादा कोर्सेज हमारे चल रहे होते हैं लाइव सेशंस में, तो कुछ क्लासेस क्लैश भी कर जाती हैं। तो अगर आप कोई भी क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्लस पर बाद में भी देख सकते हैं, और लेकिन ये हमारी पेड एप्लीकेशन है तो इसके लिए आपको कोर्सेज परचेज करने पड़ते हैं। लेकिन बेनिफिट ये है कि जो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं वो इंग्लिश में होंगे और आपके एग्ज़ाम्स को टारगेट करके बनाए जाते हैं। हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं, 8 से भी ज़्यादा एजुकेटर्स, वो अनअकैडमी प्लस पर टीच कर रहे हैं। लाइव सेशंस में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप साथ के साथ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एजुकेटर से। और हर मंथ न्यू कोर्सेज पब्लिश किए जाते हैं। तो पहले आप 1-1 कोर्स परचेज किया करते थे, अब अनअकैडमी ने न्यू ऑफर दी है सब्सक्रिप्शन पैक की। इसके थ्रू क्या है कि आप अनअकैडमी प्लस को 1 मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए या फिर 12 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि जो भी अनअकैडमी प्लस पर लाइव क्लासेस इस टाइम रनिंग है, तो अगर मान लीजिए आपने 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन पैक परचेज किया है तो आप 6 मंथ्स के लिए जितनी भी लाइव क्लासेस इस टाइम हो रही हैं या नई लॉन्च होंगी तो आप वो सभी क्लासेस देख सकते हैं। आपको ये नहीं है कि आपने किसी एक कि कोई एक ही कोर्स देखना है, आप एक से ज़्यादा कोर्सेज भी देख सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की सही से तैयारी करना चाहते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं हरप्रीत 9504 तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये आपका बेनिफिट हो रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो मैंने अभी तक कोर्सेज पब्लिश कर रखे हैं ये उनकी लिस्ट है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, तो जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो उस लैंग्वेज में ये कोर्सेज देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेरे कोर्सेज ये भी हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। और आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप इस टाइम साथ के साथ कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पर जाकर वहाँ पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, तो कल हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी, तो एक बार आप कमेंट में बता दीजिए किन स्टूडेंट्स ने मेरी कल वाली क्लास अटेंड की थी या बाद में देखी थी, तो मुझे पता चल जाए किनको बेसिक क्लियर हो चुके हैं। क्योंकि हमारा ये जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कोर्स है इसको मैंने 12 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, और कल हमने बेसिक्स कवर कर लिए थे परमुटेशन के, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, फैक्टोरियल क्या होता है, डिजिट्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, और परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ डिस्कस किया था, अच्छे से सीखा था। और आज हम अनकंडीशनल एंड कंडीशनल वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं गाइस, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके राकेश जी, आपने क्लास अटेंड नहीं की थी मेरी कल वाली? ओके, तो कोई बात नहीं, जिन भी स्टूडेंट्स ने कल वाली क्लास मेरी अभी अटेंड नहीं की है वो इस सेशन को कंप्लीट करके एक बार उस कोर्स को ज़रूर देखें, उस क्लास को ज़रूर देखें। तो उसमें जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपके, क्योंकि उसमें मैंने क्लियर किया था कि कौन से क्वेश्चंस पर हमने परमुटेशन फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाना है। स्टूडेंट्स इसी चीज़ पर ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, तो एक बार वो क्लास ज़रूर देखें। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, और फ्रेंड्स मुझे आपका थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगी। जैसे ही मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको क्लियर हो रहा है तो साथ साथ कमेंट करते जाएं, और जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी कि आपने सॉल्व करने हैं उनका रिप्लाई भी, उनका आंसर भी आप कमेंट में जल्दी से जल्दी दे दीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड बिलियन। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक वर्ड है बिलियन, इसके लेटर्स को यूज़ करते हुए हम कितने 4 लेटर्स वाले वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उनका कोई मीनिंग बने चाहे कोई ना बने। कल हमने अनकंडीशनल वर्ड फॉर्मेशन की थी, आज हमारे पास कंडीशनल है, और यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई कि जो वर्ड हम बनाएंगे उसमें सिर्फ 4 लेटर्स ही होने चाहिए। अब हमारे पास वर्ड क्या है? बिलियन। बिलियन में कितने लेटर्स हैं? ओके, दैट्स गुड थिंग राकेश जी, आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में नॉलेज है। तो बिलियन की बात कर रहे थे, इसमें कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 1, 2, 3। अब उसके बाद एल एंड आई रिपीटिंग है तो इनको हम अभी काउंट नहीं करेंगे, 4 एंड 5। तो हमारे पास ओनली 5 लेटर्स हैं जिनको हमने रिपीट भी किया है और उसके बाद वर्ड बनाया हमारे पास बिलियन। तो रेपिटेशन के लिए भी कल मैंने बताया था कि रेपिटेशन के इफेक्ट को कैसे रिमूव करना है। तो अभी हमने सिर्फ 4 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं, जैसे कि कोई वर्ड हो सकता है BILN या फिर LION, लेकिन इसमें कोई भी लेटर की रेपिटेशन नहीं करनी है। तो परमुटेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं अब यहाँ पर? सिर्फ 5, क्योंकि बाकी तो रिपीट कर रहे थे एल एंड आई। तो हमारे पास 5 लेटर्स हैं जिनमें से हमने सिर्फ 4 ही लेटर्स को यूज करना है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? n परमुटेशन r, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। 2 लेटर्स रिपीट थे और n माइनस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 4 किया तो वैल्यू होगी 1। तो n फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी 5 फैक्टोरियल, डिवाइड करेंगे 1 फैक्टोरियल के साथ जिसकी वैल्यू होगी 1। तो 5 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा 120। जी राकेश जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है बाकी स्टूडेंट्स को भी, तो कमेंट में यस लिख दीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ ग्राफिक सच दैट वर्ड्स बिगिन विद पी। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने ग्राफिक वर्ड के लेटर्स को यूज करके कितने सारे ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग हो या ना हो, और कंडीशन क्या है कि वर्ड हमेशा पी के साथ स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, अगर हमारे पास कंडीशन ना होती तब हमारे पास कितने अरेंजमेंट्स बन सकते थे, कितने ऐसे वर्ड्स बन सकते थे। ग्राफिक वर्ड में हमारे पास सभी, एक तो लेटर्स जो हैं वो रिपीटिंग नहीं है, और कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल हमारे पास 7 लेटर्स हैं। 7 लेटर्स को 7 प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो हमारा आंसर होगा 7 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5040। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि लेटर जो हमारा वर्ड है वो लेटर पी से ही स्टार्ट होगा। अगर पी से स्टार्ट होगा तो इस पोजीशन पर तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, इसके अलावा और कोई लेटर नहीं डाल सकते। लेकिन बाकी के जो 6 प्लेसेस हैं उन पर हम 6 लेटर्स को कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज करेंगे 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 720। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 720 ऐसे वर्ड्स बनेंगे आउट ऑफ 5040 में से जिनका जो हमारे पास लेटर पी के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिख दीजिए, फिर हम नेक्स्ट पर मूव करें। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेम वर्ड है ग्राफिक, लेकिन सिर्फ कंडीशन चेंज कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन में कंडीशन है सच दैट द वर्ड बिगिन विद पी एंड एंड विद ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से मुझे कमेंट्स में दीजिए और उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 2 लेटर्स के ऊपर कंडीशन आ गई, एक स्टार्टिंग लेटर और एक एंडिंग लेटर। वर्ड हमारा स्टार्ट करेगा पी से और एंड करना चाहिए ए से। तो कितने नंबर ऑफ ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं हम, ये कैलकुलेट करके आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताएं। जी राकेश जी बहुत अच्छी बात है, बीएससी आपने कंप्लीट की है मैथमेटिक्स में। तो इस क्वेश्चन का आप जल्दी से आंसर मुझे बताएं कितना आएगा, और बाकी के स्टूडेंट्स भी जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताएं। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, या मेथड आपको क्लियर नहीं हो रहा हमने कौन सा स्टेप किस वजह से किया है तो आप पूछ सकते हैं साथ साथ। ओके तो राकेश जी कह रही हैं इसका आंसर 120 होगा। तो बाकी के स्टूडेंट्स क्या इस आंसर से सहमत है? ओके शुभम जी भी कह रहे हैं 120 आंसर आएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करवा देती हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास 2 लेटर्स के ऊपर कंडीशन थी, एक तो फर्स्ट लेटर यहाँ पर P आएगा और जो एंडिंग लेटर है वो A रहेगा। तो कंडीशन यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है। फर्स्ट प्लेस पर P को हम कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज करेंगे, सिर्फ एक ही मेथड है, और उसके बाद A को कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज करेंगे, सिर्फ एक ही मेथड के साथ। बाकी के लेटर्स कौन से रह गए GRHIC। हमारे पास 5 लेटर्स हैं और प्लेसेस कितनी है 5 प्लेसेस हैं। तो 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस पर कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1। तो आंसर 120 आएगा। राकेश जी एंड शुभम जी आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, 120 आंसर आएगा। एंड जिन स्टूडेंट्स ने आंसर सॉल्व नहीं किया था उम्मीद है उनको भी अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर डाउट है तो साथ में पूछ लीजिए। तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है How many words with or without meaning can be formed using the letters of word graphic such that the word begin with P and does not end with A? अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि एंडिंग वर्ड हमारे पास डिसाइडेड था कि वो A ही होगा। यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग वर्ड डिसाइडेड है, सॉरी स्टार्टिंग लेटर डिसाइडेड है कि वो P से स्टार्ट होगा, लेकिन A से एंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट लेटर के लिए एक चॉइस नहीं है, हमारे पास 5 चॉइसेस आएंगी। कैसे, क्योंकि सबसे पहले हम P को फिल करेंगे। P को तो हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पर। उसके बाद हमारे पास कितने लेटर्स रह गए, अब P को छोड़ दीजिए, P तो ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं, और लास्ट पोजीशन पर A नहीं आ सकता। अब A नहीं आएगा तो कितने लेटर्स रह गए हमारे पास GRHIC 5 लेटर्स रह गए। तो हमारे पास 5 नंबर ऑफ वेज हैं लास्ट पोजीशन को फिल करने के लिए, और उसके बाद ए को हम लास्ट पोजीशन पर नहीं फिल कर सकते थे, लेकिन ये जो बाकी की 5 पोजीशंस हैं इनमें से तो फिल कर सकते हैं, कहीं पर भी ए लिख सकते हैं। हो सकता है ए यहाँ पर आ जाए या फिर यहाँ पर आ जाए, लेकिन रिपीटिशन नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास फिर से कितने लेटर्स हो जाएंगे इन सेंटर वाली 5 प्लेसेस के लिए? फिर से 5 लेटर्स हो जाएंगे, क्योंकि सपोज कीजिए कि हमारे पास जो लेटर्स बाकी के 5 थे GRHIC, उसमें से मैंने यहाँ पर C लेटर लिख दिया, लास्ट पोजीशन पर C लिख दिया, तो मेरे पास फिर से कितने लेटर्स रह गए? GRAHI। मेरे पास ये वाले 5 लेटर्स रह गए जिनको मैंने सेंटर वाली 5 पोजीशंस पर प्लेस करना है। कितने नंबर ऑफ वेज से प्लेस करूंगी मैं? 5 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज से प्लेस करूंगी, और लास्ट पोजीशन को कितने नंबर ऑफ वेज से फिल कर रहे थे? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर 600 आएगा। जी राकेश जी बिल्कुल सही है, 120 मल्टीप्लाई बाय 5 ही आएगा और आंसर बन जाएगा 600। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर है। क्लियर है तो यस लिख दीजिए। फिर हम इसी के ही नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड के साथ भी सॉल्व कर सकते थे, वो मेथड मैं आपको बताऊंगी। क्लियर है तो यस लिख दीजिए कमेंट में। ओके, तो इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते तो हमारा मेथड क्या होता? जो वर्ड्स P के साथ स्टार्ट कर रहे हैं वो कितने हैं? 720, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। और जो वर्ड्स P के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और A के साथ एंड कर रहे हैं वो कितने हैं? 120। तो इसका मतलब है 720 में से अगर हम 120 माइनस कर दे तो हमारे पास कौन से वर्ड्स रह जाएंगे जो स्टार्ट तो P से हो रहे हैं लेकिन A के साथ एंड नहीं हो रही। तो यही हमने इस क्वेश्चन में आंसर करना था। तो इन दोनों का डिफरेंस फिर से कितना आ जाएगा? 600। तो हमारे पास फिर से 600 ही ऐसे वर्ड्स बनेंगे जो P के साथ स्टार्ट होंगे लेकिन A के साथ एंड नहीं होंगे। तो उम्मीद है ये मेथड भी आपको क्लियर है। क्लियर है तो नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड ग्राफिक सच दैट लेटर्स आर एंड एच आर ऑलवेज टुगेदर। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी मिल जाएंगे एग्जाम में। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास वर्ड है ग्राफिक, इसके साथ हम ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिनमें लेटर आर एंड एच हमेशा एक साथ आएंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमने करना क्या है, इनको ग्रुप बना लेना है। आर एंड एच एक साथ आने चाहिए, तो आर एंड एच का एक ग्रुप बनाया और इसको हमने एक नए लेटर के साथ डिनोट कर दिया जो कि हमारे पास बाकी लेटर्स के साथ रिपीट ना करे। तो इसको मैंने लेटर क्या डिफाइन कर दिया? टी। अब मैंने जहां पर भी टी लिखूंगी वर्ड में, जैसे कि अगर मैंने वर्ड बनाया GATPCI, अगर मैंने एक ऐसा वर्ड बनाया है तो जहां पर मैंने T लिखा है तो वहां पर मैं क्या लिख सकती थी? RH आएगा या फिर HR। दो लेटर्स को दो प्लेसेस में हम कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज करेंगे? 2 फैक्टोरियल में। तो इन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमारे पास कितने लेटर्स थे? 7 लेटर्स थे, लेकिन 2 की हमने ग्रुपिंग कर दी, तो अब हमारे पास कितनी प्लेसेस रह गई? सिर्फ 6 प्लेसेस रह गई। और लेटर्स कितने हो गए? 6, क्योंकि हमने ग्रुप को भी एक लेटर के साथ डिफाइन कर दिया है, डिनोट कर दिया है। तो हमने 6 लेटर्स को 6 प्लेसेस पर कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज करेंगे? 6 फैक्टोरियल। और ये जो ग्रुप था इसको हम कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकते हैं? इनके जो 2 लेटर्स हैं उनको हम 2 ही तरीकों से अरेंज करेंगे, 2 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज के साथ। तो उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 फैक्टोरियल को जब आप 2 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1440। उम्मीद है ये मेथड क्लियर हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे दोबारा पूछ लें, मैं रिपीट कर देती हूँ, अदरवाइज आप यस लिख दीजिए कमेंट में। ये मेथड क्लियर है तो यस लिख दें, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यस बिल्कुल 720 × 2 किया है तो हमारे पास आंसर आया है 1440। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कंडीशन सिर्फ चेंज की है, क्वेश्चन वही है। कंडीशन है सच दैट द लेटर्स आर एंड एच नेवर कम टुगेदर। अब ये दोनों लेटर्स कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए, तो इसके लिए हम सिर्फ एक ही मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते थे जिनमें हम ग्राफिक वर्ड के लेटर्स को अरेंज करके नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते थे? कितने बन सकते थे? 7 लेटर्स हैं, 7 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते थे, दैट इज 5040 वर्ड्स बन सकते थे। इनमें से कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आर एंड एच एक साथ आ रहे हैं, वो हमने अभी कैलकुलेट किया, 1440 ऐसे वर्ड्स हैं। तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास कौन से वर्ड्स बचेंगे जहां पर आर एंड एच कभी भी एक साथ नहीं आए हैं? तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3600। तो आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर है। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन चाहे जैसा मर्जी आ जाए। जैसे यहाँ पर दो लेटर्स के हमने एक साथ बोला था कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको मेथड अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन और स्टेटमेंट तो चेंज होती रहती है। क्लियर है तो यस लिख दीजिए, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स हैविंग नंबर्स 0 to 9, हाउ मेनी टोटल अटेम्प्ट्स कैन बी मेड टू ओपन दैट लॉक? तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सूटकेस के ऊपर जो लॉक होता है उसके 4 व्हील्स हैं हमारे पास, जो हमारे पास सूटकेस है उसके लॉक के ऊपर 4 व्हील्स हैं जिनके ऊपर नंबरिंग की गई है 0 से लेके 9 तक। तो कितनी अटेम्प्ट्स हम कर सकते हैं उस लॉक को ओपन करने के लिए, ये आपने कैलकुलेट करना है। इसका आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है गाइस, तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएं मुझे। इस टाइप के क्वेश्चंस, नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कल वाली क्लास में भी किए थे, तो बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट यूज करना है और थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है क्योंकि नंबर फॉर्मेशन से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। हरी अब गाइस, आज मैंने कंडीशनल वर्ड फॉर्मेशन के काफी सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, तो आप जल्दी से आंसर बताएं। ओके, शुभम जी कह रहे हैं इसका आंसर होगा 10,000। क्या हमें कोई और आंसर मिल सकता है 10,000 के अलावा यहाँ पर? बाकी स्टूडेंट्स भी अपना आंसर कमेंट में बता सकते हैं। ओके, तो मैं इसका सॉल्यूशन करवाती हूँ। ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन आता है नंबर फॉर्मेशन से, जैसे हम 4 डिजिट का नंबर बनाते थे, सेम उसी मेथड से ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये एक सूटकेस का पिन नंबर है, उसको अनलॉक करने के लिए लॉक को, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट प्लेस पर भी अगर 0 आ जाता है तो वो भी वैलिड होता है। जबकि हमारे पास जो नंबर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आते थे कि हमने 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो वहां पर हम कभी भी 0 को फर्स्ट प्लेस पर नहीं दे सकते। तो ये सूटकेस का लॉक है, तो यहाँ पर 0 फर्स्ट प्लेस पर भी आ सकता है। और दूसरी चीज, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम बाय डिफॉल्ट ये मानकर चलते हैं कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन ये तो सूटकेस का लॉक है तो यहाँ पर तो रेपिटेशन अलाउड होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, और फर्स्ट प्लेसेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस रहेंगी? 10 चॉइसेस, क्योंकि 0 से 9 तक कितने नंबर्स होते हैं, 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास 10 चॉइसेस होंगी। नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए भी 10 चॉइसेस होंगी, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है इस केस में, ब्लॉक है ये, तो उसके लिए रेपिटेशन अलाउड है। तो थर्ड प्लेस के लिए भी 10 चॉइसेस, लास्ट प्लेस के लिए भी 10 चॉइसेस, तो आंसर आ जाएगा 10,000। शुभम जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट था। और बाकी के स्टूडेंट्स को भी अगर ये मेथड क्लियर हो गया है तो येस लिख दीजिए, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप साथ के साथ पूछ लीजिए। जी विकास जी, कोई बात नहीं, अगर आप ट्रेन में देख रहे हैं तो आप इसकी रिकॉर्डिंग बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो यस लिख दीजिए, कोई डाउट है तो साथ में डाउट पूछ लीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अल्फाबेट ऑफ द वर्ड सिग्नेचर कैन बी अरेंज्ड सच दैट वोवल्स मस्ट नॉट कम टुगेदर। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक वर्ड है सिग्नेचर, और इसके लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और कंडीशन क्या है कि वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। कंडीशन क्या, सॉरी, वॉवल्स मस्ट कम टुगेदर, वॉवल्स हमेशा एक साथ आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करें और आंसर बताएं इसका क्या होगा। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने ग्राफिक वाले क्वेश्चंस किए थे, तो वैसी ही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर टर्म क्या यूज किया इन्होंने कि वॉवल्स एक साथ आने चाहिए थे, तो वहां पर कंडीशन थी आर एच एक साथ आना चाहिए। सेम मेथड लगेगा। अगर आपको मेथड क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है गाइस, तो फटाफट सॉल्व करके इसका आंसर बताएं मुझे। राकेश जी, यहाँ पर हमारे पास 4 वॉवल्स हैं, आई, ए, यू एंड ई, तो 4 वॉवल्स हमारे पास एक साथ आने चाहिए, बाकी के जो लेटर्स हैं वो एक साथ आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप मुझे बताएं और इसका आंसर जल्दी से कमेंट में करें। ओके, सो शुभम इज सेइंग 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल आंसर आएगा। तो क्या बाकी के स्टूडेंट्स इस आंसर के साथ सहमत हैं या उनका कोई और आंसर बन रहा है? ओके, तो मैं इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास 4 लेटर्स हैं, आई, ए, यू, ई, ये हमारे पास एक साथ आने चाहिए, 4 वोवल्स, और बाकी के लेटर्स कितने रह जाएंगे, एस, जी एंड टी, आर, जिनको हम कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं। तो हमने कितने लेटर्स को अरेंज करना है बेसिकली। अब इस ग्रुप को हम कितने तरीकों से अरेंज करेंगे, 4 लेटर्स हैं, 4 प्लेसेस पर अरेंज करना हो तो हमारे पास वैल्यू बनती है 4 फैक्टोरियल। ओके, तो 4 फैक्टोरियल तो हमारे पास सिर्फ इसका आंसर बना, लेकिन हमने इस ग्रुप को x के साथ डिनोट किया है, तो हमने अब टोटल 6 लेटर्स को अरेंज करना है, x, s, g एंड t, r। 6 लेटर को 6 प्लेसेस में किस तरह से फिल करेंगे, 6 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज से। इस ग्रुप को कितने नंबर ऑफ वेज के साथ अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा 720 मल्टीप्लाई बाय 24 विच इज इक्वल टू 17,280। तो शुभम जी का आंसर भी करेक्ट है एंड राकेश जी का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर बाकियों को ये समझ आ गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कमेंट में यस लिख दीजिए या फिर डाउट है तो अपना डाउट लिख दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन ही चेंज हुई है, सच दैट वॉवल्स मस्ट नॉट कम टुगेदर। इसमें कंडीशन है कि वॉवल्स अब एक साथ नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर हमने सिग्नेचर वर्ड के सभी लेटर्स को कितने अलग अलग मेथड्स के साथ अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास 9 डिफरेंट लेटर्स हैं। सबसे पहली चीज़, इस वर्ड में हमारे पास कोई भी रिपीटिंग लेटर नहीं है, तो हमने हमेशा नॉन रिपीटिंग लेटर्स को ही काउंट करना है। अब 9 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता है 5040 होती है, तो इस क्वेश्चन को आप यहीं फैक्टोरियल तक नहीं छोड़ सकते, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5040 वैल्यू होती है 7 फैक्टोरियल की, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया 72, इनको प्रोडक्ट किया तो हमारे पास आंसर कितना बना? 3,62,880। इतने टोटल वर्ड्स बन सकते थे, लेकिन कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें वॉवल्स हमेशा एक साथ आए हैं? हमने अभी सॉल्व किया इस क्वेश्चन को 17,280। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास कौन से वर्ड्स बचेंगे जिनमें सभी के सभी वॉवल्स एक साथ नहीं आ रही है? मतलब एक दो वॉवल्स हो सकता है एक साथ आ रहे हो, लेकिन जो चारों वॉवल्स हैं वो कभी इकट्ठा नहीं आएंगे। तो नोट टुगेदर का आंसर हो जाएगा 3,45,600। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। बिल्कुल, राकेश जी का आंसर बिल्कुल सही है 3,45,600। बाकियों को भी समझ आ गया है तो यस लिख दीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। यस, बिल्कुल नोट टुगेदर का ही आंसर है राकेश जी। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास सिर्फ कंडीशन चेंज हुई है, नो टू वॉवल्स मस्ट कम टुगेदर। तो सबसे पहले कंडीशन को ही ध्यान से समझिए। जो पहले कंडीशन आई थी उसका मतलब था कि वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। जब हम वॉवल्स वर्ड यूज कर रहे थे तो हम सभी वॉवल्स को यूज कर रहे थे, आई ए यू ई, इन चारों वॉवल्स की बात कर रहे थे कि चारों इकट्ठे नहीं आने चाहिए। अभी कंडीशन क्या है? कोई दो वॉवल्स भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, दो भी नहीं आने चाहिए, दो से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। तो हमारे पास वर्ड है सिग्नेचर। 9 प्लेसेस हैं यहाँ पर, तो हर दो वॉवल्स के बीच में कम से कम एक कॉन्सोनेंट रहना चाहिए। इस तरीके से ही हम वर्ड बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास 9 डिजिट्स हैं तो हम देख रहे हैं फर्स्ट प्लेस पर हम वॉवल रख सकते हैं, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट, फिर से एक वॉवल, फिर से एक कॉन्सोनेंट, फिर से वॉवल, फिर से कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट एंड फिर से वॉवल। तो हमारे पास ये कितने बन गए, कितनी प्लेसेस बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन गई। लेकिन ये हमने जो वर्ड है वो तो सिर्फ 9 लेटर्स का बनाना है, ठीक है, 11 का नहीं बनाना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो वॉवल्स के लिए प्लेसेस बनी है 1 2 3 4 5 6, इनमें 6 प्लेसेस में से किसी भी 4 प्लेसेस पर हमने वॉवल्स को प्लेस करना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ 4 ही वॉवल्स हैं। तो हम ये जो पोजीशंस हैं 6 आई हैं, 6 में से 4 पर प्लेस करेंगे वॉवल्स को। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 6 परमुटेशन 4। तो 6 परमुटेशन 4 की वैल्यू क्या होगी? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस और उसका फैक्टोरियल। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 360। लेकिन 360 वेज में तो हमने सिर्फ वॉवल्स को ही अरेंज किया है, अब कॉन्सोनेंट्स को भी अरेंज करना है। अब हमने 4 वॉवल्स अरेंज कर लिए, तो बाकी कितने रह गए प्लेसेस? हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट्स रह गए और प्लेसेस भी 5 ही बनेंगी, क्योंकि हम 9 लेटर का ही वर्ड बनाएंगे, कोई प्लेसेस खाली तो छोड़ नहीं सकते। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 फैक्टोरियल के साथ। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 120 और 360 को भी हमने लिख दिया 120 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर बन जाएगा 43,200। तो उम्मीद है ये मेथड क्लियर हो गया है, क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लें, ये काफी स्पेशल केस है वॉवल्स वाला। अगर क्लियर है तो यस लिख दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स मस्ट कम टुगेदर बट इन सेपरेट ग्रुप्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। यहाँ पर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हमेशा एक साथ आने चाहिए लेकिन सेपरेट ग्रुप्स में ही आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप मुझे बताएं और इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करवाती हूँ। शुभम जी, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी चीज बोली है कि वॉवल्स एक साथ आने चाहिए, कॉन्सोनेंट्स एक साथ आने चाहिए। पहले कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप आएगा या बाद में वॉवल्स का ग्रुप आएगा, वो किसी भी तरीके से आ सकता है। दोनों ग्रुप्स में से आप किसी भी ग्रुप को पहले रख सकते हो, तो हमें सभी केसेस इंक्लूड करने हैं। आप एक बार इसको ट्राई करें, क्वेश्चन को, इसका आंसर बताएं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवा रही हूँ। जो अभी तक कंसेप्ट्स लर्न किए हैं बिल्कुल उन्हीं कंसेप्ट्स को ही यूज करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें और सॉल्व करें। ओके, तो शुभम जी ने आंसर किया है 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखते हैं ये आंसर सही होता है या नहीं। क्या हमें कोई और आंसर मिल सकता है इसके अलावा? ओके, तो अभी मैं इसका सॉल्यूशन करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन था कि वॉवल्स एक ग्रुप में आने चाहिए, कॉन्सोनेंट्स एक ग्रुप में आने चाहिए, और ये दोनों किसी भी मेथड से हो सकते थे। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट्स का एक ग्रुप बनाएंगे SGTNR और वॉवल्स का एक ग्रुप बनेगा IAUE। तो यहाँ पर हमने जो कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप है उसको X से डिनोट कर दिया और वॉवल्स के ग्रुप को Y से डिनोट कर दिया। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनको हम कितने मेथड्स के साथ अरेंज कर सकते हैं। 5 लेटर्स हैं, 5 प्लेसेस पर फिल करेंगे क्योंकि ग्रुप इनका हमेशा इकट्ठा रहना चाहिए, कोई भी ग्रुप से बाहर नहीं जाएगा। तो ये जो 5 लेटर्स हैं 5 प्लेसेस पे फिल करेंगे तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 4 वॉवल्स हैं और 4 प्लेसेस पर फिल करने हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं ये हमारे पास 2 हैं, तो इन ग्रुप्स को हम कितने मेथड्स के साथ अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल नंबर ऑफ बेस के साथ। क्योंकि एक मेथड तो हो जाएगा कि हमारे पास कॉन्सोनेंट्स वाला ग्रुप पहले आया, दूसरा मेथड हो जाएगा कि नहीं हमने वॉवल्स वाला ग्रुप पहले रखा उसके बाद कॉन्सोनेंट्स वाला ग्रुप रखा। तो 2 अलग अलग मेथड हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही हमारे पास सभी मेथड भी इंक्रीज हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 फैक्टोरियल को और 4 फैक्टोरियल को। तो आंसर कितना बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 5760। जी शुभम जी, इसका आंसर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल ही आना था। तो ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है तो यस लिख दीजिए। क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आपको अभी समझ नहीं आ रहे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। इससे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा कंसेप्ट क्लियर रखें। सभी वैल्यूज अगर हमने लिखी हैं तो कौन सी वैल्यू किस रीजन से लिखी है ये चीज क्लियर हमेशा रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिख दीजिए एक बार कमेंट में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉवल्स मस्ट ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। अब वॉवल्स हमेशा हमारे पास ऑड प्लेस पर ही आना चाहिए। तो हमारे पास 9 लेटर्स का अगर हमने वर्ड बनाना है तो ऑड प्लेसेस कौन कौन सी रहेंगी 1st 3rd 5th 7th एंड 9th। तो हमारे पास 5 ऑड प्लेसेस बन रही हैं। इन 5 में से हमने कोई 4 ऑड प्लेसेस पर ही वॉवल्स को प्लेस करना है, क्योंकि वॉवल्स तो हमारे पास अभी सिर्फ 4 ही हैं क्वेश्चन में। अगर 5 होते तो हाँ, हम 5 को 5 प्लेसेस पर एक ही मेथड से प्लेस करते हैं। और उसके बाद 5 परमुटेशन 4 करेंगे क्योंकि 5 प्लेसेस में से 4 प्लेसेस पर हमने फिल करना है इन्हें। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 नंबर ऑफ वेज हैं वॉवल्स को प्लेस करने के लिए। अब 5 में से 4 पोजीशंस फिल हो जाएंगी तो अल्टीमेटली हमारे पास 5 प्लेसेस खाली रहेगी कि 4 तो ये इवन प्लेसेस रहेगी खाली और कोई एक ऑड प्लेस भी खाली रहेगी। लेकिन कहने की बात ये है कि हमारे पास सिर्फ 5 प्लेसेस ही खाली बचेंगी। तो 5 प्लेसेस पर हमने कॉन्सोनेंट्स को फिल करना है। अब तो कॉन्सोनेंट्स भी 5 हैं। 5 प्लेसेस पर 5 कॉन्सोनेंट्स को कितने नंबर ऑफ वेज में फिल करेंगे 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी वैल्यू थी 5 फैक्टोरियल। तो 120 को हम बेसिकली 120 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आएगा 14,400। सॉरी शुभम जी, यहाँ पर आपका आंसर गलत हो गया। 13,579 नहीं आएगा, 14,400 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो साथ में पूछ लीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स मस्ट ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। अब कॉन्सोनेंट्स हमेशा ऑड प्लेसेस पर आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करें और इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं मुझे। जिसको कंसेप्ट क्लियर हो गया है वो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। तो जल्दी से सॉल्व करें और कमेंट में अपना आंसर बताएं। एक मिनट के बाद मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगी तो जल्दी से आप अपने आंसर कमेंट में बताएं। कंडीशन काफी सिंपल है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ऑड प्लेसेस पर वॉवल्स रखे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑड प्लेसेस पर कॉन्सोनेंट्स ही आने चाहिए। तो सेम मेथड ही अप्लाई करेंगे हम जो हमने लास्ट क्वेश्चन के लिए किया है। तो देखिए कितना आंसर आता है इसका। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है गाइस वैसे। ओके, शुभम जी ने आंसर किया है 2880। बिल्कुल सही आंसर है वैसे। तो एक बार कंसेप्ट समझ लें जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। हमारे पास 5 ऑड प्लेसेस हैं, 1st 3rd 5th 7th एंड 9th, और 5 प्लेसेस पर हमने 5 ही कॉन्सोनेंट्स फिल करने हैं। तो कितने मेथड हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स को फिल करने के लिए 5 फैक्टोरियल, और बाकी 4 प्लेसेस पर हमने वॉवल्स को फिल करना है। 4 प्लेसेस पर 4 वॉवल्स को फिल करेंगे कितने मेथड्स में 4 फैक्टोरियल मेथड्स में। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू होगी 2880। शुभम जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करती हूँ बाकी स्टूडेंट्स को भी उनका डाउट क्लियर हो गया होगा जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर हो गया है तो यस लिख दे कमेंट में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉवल्स मस्ट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वॉवल्स हमेशा इवन प्लेसेस पर ही आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कितनी इवन प्लेसेस बन सकती हैं, सिर्फ 4। तो यहाँ पर हमारे पास वोवल आना चाहिए। तो बाकी की 5 प्लेसेस पर क्या आएंगे, कॉन्सोनेंट्स आएंगे। तो सॉरी, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास सेम बनेगा। कॉन्सोनेंट्स के लिए 5 फैक्टोरियल आंसर बनेगा, वोवल्स को प्लेस करेंगे हम 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज में। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। तो जो आंसर हमारा पिछले क्वेश्चन का आया था वही सेम आंसर आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट उन्होंने चेंज कर दी लेकिन उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट हमारे पास बिल्कुल सेम मेथड से ही बन रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सोनेंट्स मस्ट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। कॉन्सोनेंट्स हमेशा इवन प्लेसेस पर ही आने चाहिए। तो हमारे पास कितनी सच अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, ऐसे कितने वर्ड्स हो सकते हैं जिनमें सभी कॉन्सोनेंट्स इवन प्लेसेस पर आएंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके लिए तो आपको कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं आंसर इसका। तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। वेरी इजी क्वेश्चन गाइज, इसके लिए आपको कॉपी पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतना इजी क्वेश्चन है। ओके, तो मैं ही इसका सॉल्यूशन बताने लगी हूँ। फिर देखिए, हमारे पास वर्ड है सिग्नेचर और हमारे पास 9 लेटर्स हैं और हमारे पास 4 इवन प्लेसेस हैं, लेकिन हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 5। अब 5 कॉन्सोनेंट्स को 4 प्लेसेस पर तो हम फिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट तो रह जाएगा, उसको हम कहाँ पर फिल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ऐसी कोई अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है जिसमें हम 5 कॉन्सोनेंट्स को 4 इवन प्लेसेस पर प्लेस कर सके। तो इसका आंसर आएगा 0। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट पर मूव करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद कैन बी अरेंज। तो अलाहाबाद वर्ड के लेटर्स को हम कितने अलग अलग तरीकों के साथ अरेंज करके वर्ड्स बना सकते हैं, वो कैलकुलेट करके आपने मुझे बताना है। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर बताएं, मैं 1 मिनट के बाद आपको इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, सिर्फ रिपीटेशन को ध्यान में रखना है आपने कि कुछ लेटर्स यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीटेशन के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि किस तरीके से रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सेम वही कंसेप्ट यूज होगा, वर्ड चेंज हो गया है यहाँ पर। तो इसी तरह से आपको मेथड्स क्लियर रहने चाहिए। एग्जाम में वर्ड वहाँ पर कोई भी आ सकता है, लेकिन मेथड क्लियर है तो जो मर्जी वर्ड हो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। कंडीशन भी कोई भी हो जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो इसका आंसर आप मुझे बताएं, तो इसका मैं सॉल्यूशन करवाती हूँ आपको। ओके, तो सबसे पहले देखें अलाहाबाद जो वर्ड है हमारे पास, इसमें रेपिटेशन कौन कौन से लेटर्स की हो रही है और कितनी टाइम्स हो रही है। ए हमारे पास 4 टाइम्स रिपीट किया है और एल हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। बाकी के लेटर्स जो हैं वो रिपीटिंग नहीं है। तो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं रेपिटेशन को अगर हम छोड़ दें तो, ए एल एच बी डी। हमारे पास सिर्फ 5 लेटर्स थे, लेकिन टोटल हम कितना लेंगे, टोटल इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमारे पास 9 लेटर्स हैं अलाहाबाद में। तो 9 लेटर्स को हम कितने मेथड्स के साथ अरेंज करते हैं? 9 फैक्टोरियल मेथड्स के साथ। लेकिन रेपिटेशन हो रही है तो जितनी टाइम रेपिटेशन हो रही है उस वैल्यू का फैक्टोरियल लेकर हमने डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो ए 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा डिनोमिनेटर में। एल 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो एल के लिए हम 2 फैक्टोरियल लिखेंगे और दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा आएगा? मल्टीप्लाई का। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। अब 9 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे? सिर्फ 4 फैक्टोरियल वैल्यू तक, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के साथ 4 फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो 2 के टेबल पर हमने 6 कैंसिल किया, यहाँ पर वैल्यू आ गई 3। एक सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन हमने सॉल्व की और हमारा आंसर आ गया 7560। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी, ईजिली सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। तो फर्स्ट कंडीशन है वॉवल्स मस्ट नॉट कम टुगेदर। अब हमारे पास वॉवल्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो गाइज वॉवल्स वाले आज हमने ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चंस किए हैं, तो आई होप आप इसका आंसर ज़रूर कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसका आंसर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं इसका सोल्यूशन भी आपको करवाती हूँ। सेम कंसेप्ट यूज होने हैं वॉवल्स वाले जो हमने पिछले क्वेश्चंस में यूज किए थे सिग्नेचर वाले में, तो वही सेम कंसेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। हरी अप गाइस, क्लास का टाइम भी ओवर होने वाला है। ओके, तो इसका सोल्यूशन करवा रही हूँ मैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वर्ड है अलाहाबाद, इसमें सिर्फ एक ही वॉवल है और वो है ए। लेकिन हमने 9 लेटर्स से तो 9 लेटर्स का ही वर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वॉवल्स हैं ये इकट्ठे रहने चाहिए। 4 वॉवल्स हैं, इनको हमने ग्रुप कर दिया और बाकी कितने लेटर्स रह गए हमारे पास? एल एच बी डी एल। एल बी 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर रिपीटिशन को भी ध्यान में रखना है और ग्रुप का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये कितने लेटर्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हो जाएंगे, क्योंकि हम ग्रुप को भी एक एज अ यूनिट ही एज्यूम करेंगे। एक डिफरेंट लेटर एज्यूम कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ए की जगह हम टी लिख रहे हैं, तो जहां पर भी क्वेश्चन में टी लिखेंगे वहां पर हमने 4 ए लिख देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कितने लेटर्स हो गए? अब 6 लेटर्स हो गए। 6 लेटर्स को हम कितने मेथड्स के साथ अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल मेथड्स के साथ। और यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स ए लिखा हुआ है, तो अगर हम सिर्फ इनको यही चीज़ मान के चलें कि 4 लेटर्स हैं, 4 प्लेसेस पर फिल करने हैं, तो कितना मेथड हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। लेकिन रेपिटेशन हो रही है, ए की रेपिटेशन हो रही है, तो डिनोमिनेटर में भी 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब एल की रेपिटेशन हो रही है 2 टाइम्स, तो एल के लिए भी 2 फैक्टोरियल फिर से आएगा डिनोमिनेटर में। अब 4 फैक्टोरियल के साथ 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। 2 के टेबल पर 6 को कैंसिल कर सकते हैं और ये आंसर हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 360। तो ये तो था कि वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि एक साथ नहीं आने चाहिए। तो टोटल हमारे पास कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं? 9 लेटर्स हैं हमारे पास, 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हो सकती थी। सॉरी, ये जो हमने पिछले क्वेश्चंस में कैलकुलेट किया था कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, इतनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं टोटल। तो इस टोटल में से हम माइनस कर देंगे जितनी हमारे पास अरेंजमेंट्स बन रही है जब वॉवल्स एक साथ आ रही हैं, वो 360 अरेंजमेंट्स हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 7200। तो हमारे पास 7200 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिनमें वॉवल्स हमारे पास इकट्ठे नहीं आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया है। जल्दी से यस लिखें और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करूं। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो यस लिख दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड रूमर कैन बी अरेंज्ड सच दैट वॉवल्स मस्ट कम टुगेदर. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास वर्ड कौन सा आ गया, रूमर, और कंडीशन क्या है कि वॉवल्स हमारे पास इकट्ठे आने चाहिए. तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अलाहाबाद वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे. तो इसका सोल्यूशन करके आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ. काफी सिंपल क्वेश्चन है गाइस, जैसे अलाहाबाद वाला किया है वैसे ही करना है. एक तो यहाँ पर भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटिंग लेटर्स के लिए हम डिनोमिनेटर में वैल्यूज लिखेंगे और वॉवल्स को हम एक ग्रुप में लिखेंगे. तो कैसे सॉल्व करना है आप बताएं जल्दी से. ओके गाइस, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने लगी हूँ. तो क्वेश्चन में हमारे पास वर्ड है रूमर, यहाँ पर वॉवल्स कौन कौन से हैं, यू ओ यू, तो वॉवल्स का सेपरेट ग्रुप बनाएंगे. और बाकी हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, आर एम आर, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हो गए, इनका अलग ग्रुप बन गया. अगर मैं वॉवल्स को टी के साथ रिप्रेजेंट कर दूँ इनके ग्रुप को, तो हमारे पास कितने लेटर्स हो जाएंगे, 4 लेटर्स हो जाएंगे. अब 4 लेटर्स को 4 प्लेसेस पर अरेंज करना हो तो क्या मेथड होगा, 4 फैक्टोरियल. और ग्रुप में हमारे पास 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स को 3 प्लेसेस पर अरेंज करना हो तो क्या मेथड होगा, 3 फैक्टोरियल. अब यहाँ पर इतना सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम बात करेंगे रिपीटिशन की. U हमारे पास रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स एंड R हमारे पास रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स. तो 2 फैक्टोरियल को हम 2 बार डिनोमिनेटर में लिखेंगे, एक बार U के लिए और एक बार R के लिए. इसको सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, और उसके बाद 3 फैक्टोरियल ये वाला आ गया. अब 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा. और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 का आंसर आ जाएगा 36. तो हमारे पास 36 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिनमें वॉवल्स हमेशा एक साथ आएंगे. उम्मीद करती हूँ क्लियर है. तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है. 0 फैक्टोरियल हम कहते हैं 1 के इक्वल है, लेकिन ये 1 के इक्वल आपने क्रैमिंग कभी नहीं करनी है. इसका भी एक रीज़न है, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल कैसे आता है. तो जब हम n परमुटेशन r का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. और अगर हमारे पास नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो भी है 3 और 3 ही प्लेसेस हैं, जैसे मान लीजिए 1, 2 एंड 3 को हमने यूज करके 3 डिजिट वर्ड्स बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, सॉरी. तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि परमुटेशन पहली बात रेपिटेशन अलाउड नहीं करती. तो फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास फिल करने के लिए 3 चॉइसेस होंगी, सेकेंड प्लेस पर फिल करने के लिए 2 चॉइसेस होंगी, लास्ट प्लेस पर फिल करने के लिए 1 चॉइस होगी. जिन स्टूडेंट्स ने मेरा कल वाली क्लास देखी थी उनको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पर फिल करना है तो आंसर होता है n फैक्टोरियल. जैसे कि अगर हमने 4 डिजिट्स को यूज़ करके 4 डिजिट को यूज़ करके 4 डिजिट नंबर बनाना हो तो आंसर होगा 4 फैक्टोरियल. 3 डिजिट के लिए 3 डिजिट नंबर बनाना हो तो आंसर होगा 3 फैक्टोरियल. उसी तरह से अगर हमने n ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके n ही प्लेसेस पर अरेंज करना है तो आंसर कितना आएगा, n फैक्टोरियल. लेकिन अगर हम इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर कितना बन रहा है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल. n माइनस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बन रही है वैल्यू 0 फैक्टोरियल, लेकिन इसका आंसर कितना बनना था, n फैक्टोरियल. ये हमने अभी यहाँ पर प्रूफ भी देख लिया और इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने कल वाले सेशन में भी करवाई थी. तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1. इसी वजह से हम हमेशा 0 फैक्टोरियल को 1 पुट करते हैं. तो उम्मीद करती हूँ इसके साथ आपको आज वाले कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो अभी मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ। आप आज वाली क्लास के डाउट्स यहीं पर पूछ सकते हैं, और अगर आपको कल वाली क्लास के भी कोई डाउट्स हैं, कुछ नहीं समझ आया था, तो वो भी आप अभी पूछ सकते हैं। और आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी आपके जो भी डाउट्स होंगे या क्वेरीज होंगी। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए अगर किसी को डाउट है तो। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्लास मेरी होगी 23 फ़रवरी को 6 PM to 7 PM। तो ये क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा, और इसमें हम कॉम्बिनेशन फार्मूला लर्न करेंगे एंड काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन फार्मूला यूज़ करके। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।